वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, द एंड ऑफ अ बायोप्लैरिटी। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इसके पार्ट 1st, 2nd, 3rd ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, हिंदी मीडियम में भी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमसे शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं USSR, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। जो USSR था, इसकी तो शुरुआत हुई थी वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से हुई थी 1917 में, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो USSR के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और उसके बाद जो USSR के लास्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ये दो पॉलिसीज लेके आते हैं, प्रेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट ओपननेस, प्रेस्ट्रोइका रीइंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना। एक छोटी चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ, देखो USSR का आज के समय मतलब है रशिया, और रशिया को हिंदी में रूस कहते हैं। अगर मैं वर्ड रशिया यूज़ कर रहा हूँ, रूस यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, USSR के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि 1991 के बाद जो USSR था वो रूस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में तो 15 स्टेट्स में होता है, और जो उसमें सबसे बड़ा स्टेट होता है वो रूस होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो जो रूस के पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, बोरिस येल्सिन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना कि जो USSR था उसके पहले प्रेसिडेंट थे लेनिन, लास्ट प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, और रूस के पहले प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन। ठीक है, अब आज के समय प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है आप बता सकते हो? अभी आगे उनकी इमेज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या था USSR की और US की इकनॉमी में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रूस की इकनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो जो रूस की इकनॉमी थी वो एक ऐसी इकनॉमी थी जहाँ पे सारी चीज़ें पहले तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी, और जो सारे राइट्स थे वो स्टेट के हाथ में थे। जैसे कि मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम, ये सारी जो चीज़ें होती थी ना वहाँ की सरकार डिसाइड करती थी, क्योंकि वहाँ पे जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक ऐसे टर्म को रेफर करती है जिस टर्म के अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज, सारे एसेट्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी के बारे में सोचती है, और जो उसे अच्छा लगता है वो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के हाथ में कोई राइट्स नहीं होते, इंडिविजुअल्स किसी भी राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो USSR था वहाँ पे एक ही पार्टी थी जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट सबके ऊपर एक तरह से आप कह लो कि डिक्टेटरशिप की तरह रूल करना था, कि वो तानाशाह थे, जो चाहते थे वो वही करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी ऐसी कंट्रीज में प्रेसिडेंट बनता है वो जब तक प्रेसिडेंट रहता है जब तक वो मर ना जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से वो कंटिन्यू ना कर पाए। जैसे कि आपको पता होगा लेनिन जो पहले प्रेसिडेंट रहे, फिर लास्ट प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, फिर जो रूस के पहले प्रेसिडेंट रहे बोरिस येल्सिन, और अभी कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ऐसा एक और एग्जांपल नॉर्थ कोरिया का देखा होगा, जैसे कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, किम जोंग, और जो किम जोंग है वो जब तक रहेंगे जब तक वो मर नहीं जाते। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज है जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है और रूलर जब तक रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, और यहाँ पे रूलर वंशानुगत होते हैं, मतलब हायरार्की होती है, फादर के बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, ठीक है, ऐसे होता है। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, कि जो USSR था उसके पास प्लान इकनॉमी थी। देखो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा 5-year प्लान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया में 1950 में प्लानिंग कमीशन आता है जिसे आप योजना आयोग भी कहते हो। ठीक है, योजना आयोग आता है, उसके बाद 5-year के लिए पॉलिसी डिसाइड करते हैं, एग्रीकल्चर थीम रखते हैं। तो दुनिया का वो देश जिसने सबसे पहले 5-year प्लान बनाया था, हालांकि USSR में 5-year प्लान नहीं होता था, 4-year प्लान होता था। पहला प्लान इनका 1924 टू 1928 रहा था, तो इनसे ही हमने कॉपी करी थी 5-year प्लान की, इंडिया मतलब इंडिया ने कॉपी करी थी USSR से 5-year प्लान की। ठीक है, तो जो USSR था वो अपनी पॉलिसी को ऑलरेडी डिसाइड कर लेता था कि उसे आने वाले टाइम में क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे कि आपको पता है 5-year प्लान में क्या होता है, हम एक टारगेट रखते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं। सेम USSR, तो USSR टारगेट रखता था और उन्हें अचीव करता था। और स्टार्टिंग के समय में जो USSR था उसकी इकनॉमी बहुत अच्छी थी और बहुत प्लान इकनॉमी थी। इसका एग्जाम्पल आप इस बात से देख सकते हो कि आज के समय भी USSR की जगह रशिया ले चुका, रशिया वन ऑफ दी सुपर पावर में काउंट किया जाता है। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन अप्रोक्स 650,000 के अराउंड है। ठीक है, डाटाज आप करेक्ट कर लेना गूगल से चेक करके, क्योंकि कभी फैक्चुअल चीज़ें नहीं होती, बट इतना ही अप्रोक्स अमेरिका पे है और अमेरिका से थोड़ा बहुत ज़्यादा रशिया के पास है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम US इकनॉमी की।
देखो जैसे कि आपको पता था कि जो यूएस की इकनॉमी है वो किस पे बेस्ड थी, कैपिटलिज्म पे बेस्ड थी, ठीक है। सारे राइट्स किसके हाथ में होते थे वहाँ पे, इंडिविजुअल्स के हाथ में होते थे, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप होती थी, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मानो कोई एक मॉल है और आपको पता है मॉल के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक मॉल बना के दे दिया और अब उस मॉल के अंदर की जो शॉप्स हैं उसे रन किया जाता है इंडिविजुअल्स द्वारा, यानी कोई भी इंडिविजुअल उसे खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। बट अगर इस बात को हम यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में करें तो वहाँ पे क्या होगा, जो मॉल है उसे बनाएगी भी गवर्नमेंट यूएसएसआर की, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि किसको कौन सी शॉप देनी और शॉप में कैसे वर्क रन करने हैं, ठीक है। तो ये गलत था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि कैपिटलिज्म में सिंपल सा फंडा है, आप जितना एफर्ट करोगे उतना ही गेन करोगे, और ये ठीक भी है। अगर आपके लाइव में 90 मार्क्स किसी और बच्चे को दे दिए जाए ये कहते हुए कि 50 मार्क्स ये क्राइटेरिया एडमिशन का, तो आपको बुरा लगेगा कि मैंने 90 की मेहनत ही क्यों करी, 50 की कर लेता। तो ऐसा कहाँ पे होता था, यूएसएसआर के अंदर होता था, जहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता था, बट यूएस के अंदर रिसोर्सेज का एलोकेशन इंडिविजुअल्स के हैंड में होता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे क्या है कि जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को उनके फंक्शन करने देती थी, वैल्यू करती थी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू करते हो ना तो आपको रियलिटी में पता होता है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही मिल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के तो आप उसके ना कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जैसा कि कहाँ पे हुआ, यूएसएसआर के अंदर। वहाँ पे आम जनता को सारी ज़रूरतें आसानी से मिल गई थी जो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी दे रही थी, एजुकेशन दे रही थी, जॉब दे रही थी, तो यूएसएसआर की जनता एफर्ट क्यों करती, उन्होंने तो एफर्ट करने नहीं पड़े। बट यूएस के अंदर जो जितना एफर्ट करेगा उसे उतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, तो वहाँ के जो वहाँ का सिटीजन्स थे, यूएस के सिटीजन्स थे और जो यूएस की गवर्नमेंट थी, इन्होंने मिलकर काम किया एक दूसरे के लिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखते हैं क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो किसके हाथ में थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में। एंटरप्रेन्योरशिप थी वहाँ पे और ये लोग डिसाइड करते थे फैक्ट्री के अंदर कि मास प्रोडक्शन क्या करना चाहिए। देखो मास प्रोडक्शन का मतलब है कि सोसाइटी का एक लार्ज सेक्शन किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर सोसाइटी के लार्ज सेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेडिसिन की डिमांड हो रही है तो आप मेडिसिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करो, हालांकि मेडिसिन तो एक एसेंशियल गुड में आती है। मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं चीनी का, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा गुड़ का, ठीक है, जैगरी। तो आप देख सकते हो अगर सोसाइटी में शुगर की ज़्यादा डिमांड है तो हम शुगर प्रोड्यूस करेंगे, अगर जैगरी गुड़ की ज़्यादा डिमांड है तो हम गुड़ प्रोड्यूस करेंगे। तो यूएस के अंदर जो भी चीज़ें होती थी प्रोड्यूस करने वाली वो मार्केट के ऊपर छोड़ दी जाती थी। मार्केट में जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी पीछे से हम उसकी उतनी सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आप लोगों को, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे इजी है। सिंपल सा मतलब ये है कि हम किन चीज़ों को का उत्पादन करेंगे, हम उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करेंगे ना जिसकी मार्केट में मांग होगी। अगर आप कॉपी की मांग करोगे तो शॉप वाला कॉपी बनाएगा, अगर आप कॉपी की मांग नहीं करोगे तो वो नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रेजेंट यूएसएसआर के प्रेजिडेंट दिखाऊंगा, तो यूएसएसआर के प्रेजिडेंट यानी रशिया के जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ये आपके सामने है, ठीक है। वन ऑफ द पावरफुल पर्सन माना जाता है इन्हें कंट्री के अंदर, और ये अपनी डायनेमिक पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मर यूएसएसआर और इंडिया के क्या रिलेशन थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया और यूएसएसआर के जो आज के समय रशिया है, इनके रिलेशनशिप जो है वो शुरू से ही अच्छी रही है, ठीक है। जैसे कि इंडिया वालों जो इंडियंस है, इंडियंस की काफ़ी हेल्प करी गई है कश्मीर इशू पे, ठीक है, इसको छोड़ के इंटरनेशनल टेररिज्म पे काफ़ी हेल्प करी गई है। किसके द्वारा, रशिया द्वारा, क्योंकि रशिया मानता है कि देखो जो कैपिटलिज्म कंट्री है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो ऑलमोस्ट अपने वेलफेयर के बारे में सोचती है, ठीक है। तो रशिया का मानना है इंडिया एक ऐसी कंट्री जो मिक्स इकोनॉमी को मानती है और जो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक टॉलरेंट कंट्री है, वो हमेशा चीज़ों को ध्यान से सुनती है। तो रशिया ने शुरू से ही अच्छे संबंध बनाए इंडिया से, और इंडिया के इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी मदद करी, क्योंकि देखो टेररिज्म की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है, टेररिज्म तो सबके लिए सेम है। जैसा कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ टेररिज्म का, कि आपको पता होगा कि दुनिया में जो टेररिज्म है, आतंकवाद, उसको जन्म किसने दिया, अमेरिका ने। और दुनिया में जो सबसे पहला आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ, वो कहाँ हुआ, अमेरिका पे हुआ, 9/11। तो इससे पता चलता है कि आग लगाने वालों के भी हाथ जल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हम तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करते हैं इनकी, ठीक है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हम किसी भी कंट्री को। तो इंडिया की काफ़ी हेल्प करता है यूएसएसआर कश्मीर के इशू पे, हालांकि कश्मीर अब इंडिया का एक पार्ट बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 के बाद, ठीक है। और इसको छोड़ के इंडिया को एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म पे इंडिया की हेल्प करता है यूएसएसआर, ठीक है।
अच्छा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशिया से आर्म्स को लेकर। जो इंडिया अपने हथियार खरीदता है ना, वो सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है? रशिया से खरीदता है। तो रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया को बेचता है। इसका एक एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल, आगे थर्ड पॉइंट में है, मैं इसे बताता हूँ क्या है। ठीक है कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसीव किया ब्रह्मोस मिसाइल को। देखो ब्रह्मोस मिसाइल दो रिवर पर पड़ी हुई है, एक इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र और एक यूएसएसआर के अंदर, यूएस रशिया के अंदर एक रिवर है मोस्कावा के नाम से, मॉस्को भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो इन दो रिवर के नाम से ये नाम पड़ा है ब्रह्मोस। और ये एक मिसाइल है, मतलब आपने बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा। ठीक है, कभी मैं आपको बताऊंगा बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है। मतलब ऐसी मिसाइलें होती हैं, ऐसे करके जाती हैं, वो अपने टारगेट पे जाती हैं, फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है इन्हें। एक बार चालू कर दो, अपने निशाने पे जाके लगती हैं मिसाइलें। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंडिया ने किस तरह की हेल्प की। तो रशिया ने इंडिया की क्रायोजेनिक रॉकेट से मदद करी है। देखो क्रायोजेनिक रॉकेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि स्पेस प्रोग्राम के अंदर जो पहला देश था जो स्पेस में गया, अंतरिक्ष में गया, वो कौन था? रशिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि लाइका नामक एक बिच जो थी उसे सबसे पहले स्पेस के अंदर भेजा गया था, ये देखने के लिए कि स्पेस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है। तो रशिया का प्रोग्राम था, उसको छोड़ के यूरी गार्गिन उसके बाद गए। ठीक है, रशिया के बाद अमेरिका ने भी बहुत सारे प्रोग्राम भेजे हैं, बट इंडिया के अंदर जो प्रोग्राम इंडिया ने अभी कुछ समय पहले, जैसे कि आपको पता होगा आदित्य मिशन, आदित्य एल्वर, ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम है, जैसे मिशन मंगल हो गया है ना, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम है जो इंडिया द्वारा ही भेजे जाते हैं। और इंडिया इसमें किसकी हेल्प लेता है? इंडिया इसमें लेता है रशिया की हेल्प। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको पता होगा 1971 में इंडिया का वॉर हुआ था, वॉर पाकिस्तान से हुआ था, किस इशू को लेकर? बांग्लादेश के इशू को लेकर। क्योंकि बांग्लादेश से 1971 में लाखों की संख्या में हमारे यहाँ रिफ्यूजीज आ रहे थे। रिफ्यूजी क्या होता है? देखो रिफ्यूजी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे देश का सिटीजन है, बट वो अपनी कंट्री में किसी क्राइसिस, किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरी कंट्री में जाके शरण ले ले और बोले कि मुझे यहाँ रहना है, क्योंकि मुझे मेरी कंट्रीज के अंदर बहुत एक्सप्लोइट किया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया को प्रॉब्लम हो रही थी। इंडिया ने इस इशू पे पाकिस्तान से क्या करा? सीधा एक वॉर फ्रंट खोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान वॉर लड़ रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया क्या कर रहा है, जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है उसे कॉक्स कर रहा है, फुसला रहा है। ठीक है, तो 1971 का वॉर होता है, जिस वॉर के अंदर इंडिया इस वॉर को एक्चुअली ईजिली जीत जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि पाकिस्तान की हेल्प करने अमेरिका आ ही रहा होता है, बट अमेरिका को ये बात पता होती है कि जो रशिया है और इंडिया है, इन्होंने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी है 1971 में, जो इंडिया के उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, जिन्हें डायनेमिक लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी, उन्होंने 20 ईयर्स के लिए एक पॉलिसी साइन करी थी यूएसएसआर के साथ, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने हमारी 1971 के युद्ध में मदद करी थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की मदद अमेरिका नहीं कर सका, और इंडिया ये जो 1971 का वॉर था बांग्लादेश को लेकर उसे आसानी से जीत गया। ठीक है, इसके बाद 1991 कारगिल का वॉर, जैसे कि ये तो आप में से कोई भूल ही नहीं सकता। ठीक है, कारगिल का वॉर, इस कारगिल के वॉर में भी इंडिया की काफ़ी हेल्प करी गई थी रशिया द्वारा, और आप देख सकते हो इस वॉर को भी हमने ईजिली नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सोल्जर थे उन्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा, बट हम इस वॉर को जीत गए थे। ठीक है, हमने हमारी पोस्ट कारगिल को ईजिली जीत लिया था वहाँ पे। ठीक है, चलो आगे के टॉपिक्स देखते हैं। अच्छा बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज क्या आते हैं डिसइंटीग्रेशन होने के सोवियत यूनियन के। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है, उसमें मैंने बताया था जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये किसी इवेंट के ख़त्म होने के बाद शुरू होते हैं, और जो कॉजेज होते हैं वो किसी इवेंट की स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कॉन्सिक्वेंसेज एंड होना और कॉजेज शुरू होना, ठीक है, स्टार्टिंग होना। ठीक है, बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन के क्या बेनिफिट हुए। कॉजेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि किसी एग्जाम में कभी पॉजिटिव नेगेटिव पूछे नहीं जाते, ठीक है, याद रखना इस बात को, अगर पूछे तो उस वे से भी हम इसे कवर कर लेंगे। अच्छा पहला कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, क्योंकि कोल्ड वॉर किन के बीच में था? कोल्ड वॉर था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो यूएसए कोल्ड वॉर कंटिन्यू किससे करता? तो यूएसए ने कोल्ड वॉर छोड़ दिया, कोल्ड वॉर वहाँ पे एंड हो गया। अच्छा राइज ऑफ अ पोलर वर्ल्ड, जैसे कि आपको पता है यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया। यूनिपोलर वर्ल्ड सेंस क्या है मेरा कहने का कि यूएसए, जैसे कि आपको पता होगा 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो दो सुपर पावर की जगह एक ही सुपर पावर रह गई, जो क्या थी? अमेरिका। और अमेरिका ने अपनी हेगेमनी वर्चस्व शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका जैसी उस समय और कोई पावर नहीं थी जो इस तरह से रशिया को जवाब दे सके।
सॉरी अमेरिका को जवाब दे सके। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट देखते क्या है, आर्म्स, जो आर्म्स रेस थी वो क्या होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका अगर 2 हथियार बनाता तो रशिया 4 बनाता, रशिया 4 तो अमेरिका 8, तो इस तरह से जो हथियारों की होड़ हो रही थी, रेस लगी हुई थी हथियार बनाने में, वो तो ख़त्म होने को तैयार नहीं थी। पर जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये होड़ भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, कि जो यूएसएसआर था उसका 15 स्टेटों के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, पहले जो यूएसएसआर था उसे अब 15 राज्यों में बांटा जाता है, जैसे रूस, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, तो ऐसे 15 स्टेट्स में बांटा जाता है, जो सबसे बड़ा स्टेट होता है उसमें वो क्या होता है, रशिया होता है, रूस होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अच्छा सिक्स पॉइंट देखते हैं क्या है, कि जो रशिया था वो सक्सेसर बनता है सोवियत यूनियन का, जो यूएसएसआर है उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, उसका उत्तराधिकारी बनता है रशिया। देखो उसके पीछे वजह ये थी, जो बोरिस येल्सिन, जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था बोरिस येल्सिन, ठीक है, वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन करना चाहते थे और वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, और उन्हीं के एफर्ट की वजह से ये डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था, और जिसकी वजह से रशिया को सक्सेसर माना गया था सोवियत यूनियन का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, हालांकि मैंने इसे फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है, बट आप कमेंट करके बताना। ओके, सिक्स पॉइंट देखते क्या है, कि चेंज आ गया था इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिक्स में। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ था 1945 और कब तक रहा, 1991 तक, तो कोल्ड वॉर था किसके बीच, बहुत सिंपल सी बात है, कोल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच था। अब 1991 में तो यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कौन सा नया चेंज आया पॉलिटिक्स में, उसके बाद नया चेंज आता है पॉलिटिक्स में कि जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर हो जाता है, बस एक ही सुपर पावर रह जाती है, वो है अमेरिका। ठीक है, हालांकि अगर आज के समय हम बात करें 2020 के अंदर, तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है ये मल्टीपोलर हो चुका है, क्योंकि यूएसए भी पावरफुल है, अब रशिया भी पावरफुल है, फ्रांस भी देखा जाए तो पावरफुल है, जापान का एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, चाइना को तो हम भूल ही नहीं सकते, इंडिया भी इमर्जिंग कंट्री है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो सुपर पावर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा सेवन्थ पॉइंट देखते हैं हम क्या है, ठीक है, कि एक मूवमेंट चला था, और वो मूवमेंट कैसा था, कि जो कंट्री के लोग थे यूएसएसआर के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। देखो बात क्या थी, कि देखो एक लंबा टाइम था 1917 से 1981, अगर आप खुद देखोगे तो ये काफ़ी लंबा समय है। इस लंबे समय के दौरान जो यूएसएसआर के सिटीजन्स थे, उन्होंने बहुत करीब से कैपिटलिज्म को भी देखा था, और उनका मानना था कि कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे क्या है कि लोगों का इंडिविजुअली बहुत वेलफेयर होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम कितने भी एफर्ट कर लें हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करा, अपनी आइडियोलॉजी को रेफर करा, किस ओर रेफर करा, कैपिटलिज्म की ओर रेफर करा। उन्होंने सोचा अगर हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लेंगे तो हमारा काफ़ी वेलफेयर होगा, और उसके साथ साथ हम अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं। तो इसे सिंपल से वे में कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर के सिटीजन थे ना, उन्होंने एक तरह से टेस्ट कर लिया था कैपिटलिज्म को, और अब वो कम्युनिज्म से हेट करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा लास्ट एट पॉइंट क्या है, डोमिनेशन ऑफ अ यूएस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, अगर वर्ल्ड ही यूनिपोलर हो जाएगा तो पावरफुल कौन सी कंट्री रह गई, यूएसए रह गई। तो यूएसए जो चाहती थी वो यूएसए कर सकती थी। ठीक है, अच्छे कुछ कॉमन से टॉपिक्स हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो याद रखना, बाल्कन रीजन, बाल्कन क्षेत्र में कौन सी कंट्री आती है, तो यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, ठीक है, क्रोएशिया और जॉर्जिया। ठीक है, तो याद रखना क्रोएशिया, यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज़ हैं जो बाल्कन रीजन में आती है, और बाल्टिक रीजन में बेसिकली 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि बाल्कन कंट्रीज़ के नाम बताओ, बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो। और इन कंट्रीज़ ने 1991 में, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये मेंबर बने थे नाटो के, और 2004 में इन्होंने बेसिकली ज्वाइन कर लिया था इसे। तो नाटो के फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी ना, कि अमेरिका का एक सैन्य संगठन था। ठीक है, इस सैन्य संगठन का नाम क्या है, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटरी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना इसे। चलो ये एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इसे देख के आपको क्या समझ आ रहा है, फटाफट देखो। देखो ये वाला फ्रेम देखो एक बार, फिर ये वाला देखो। अच्छा देखो इस वाले फ्रेम में क्या है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे लिखा है बम, और ये इनके बमों को गिरा रहे हैं, इनके बमों को गिरा रहे हैं। अच्छा एक बात तो, अगर इनके बम इनके ऊपर गिरे और इनके बम इनके ऊपर गिरे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, अगर इनके बम इनके ऊपर गिरे और इनके बम इनके ऊपर गिरे, तो इनमें से कोई बचेगा क्या? ऑब्वियसली सर कोई नहीं बचने वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरों के बमों को गिराएंगे और दोनों मर जाएंगे। तो इस थ्योरी को कहते हैं मैड की थ्योरी। जैसे यहाँ पे देखो, अच्छे से समझ सकते हो, ये एक पर्सन है, ठीक है, इन भाई साहब के हाथ में एक रोप है, रस्सी है,
और ये रस्सी लगी हुई है इसके साथ, ये काटने वाली चीज़ है, मतलब काफ़ी धारदार चीज़ है। अगर अगर ये छोड़ते हैं इसे तो ये किसके गर्दन पे जाएगी? इन पर्सन के गर्दन पे जाएगी और इन पर्सन की गर्दन कट जाएगी। अगर इनकी गर्दन कट जाती है तो उसके बाद इनके हाथ से भी रस्सी छूट जाएगी। अगर ये रोप इनके हाथ से छूटेगी तो ये पर्सन भी अपने आप मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक की लाइफ दूसरे के हाथ में है। तो इसे कहते हैं मैड की थ्योरी, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि आप कभी भी किसी ऐसी कंट्री को जो आपके जितनी ही इक्वल पावरफुल हो उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ना तो यूएसए यूएसएसआर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता था और ना ही यूएसएसआर यूएसए को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता था। तो शायद ये बहुत अच्छा था कि ये दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर में लगी रहीं। अगर ये गलती से हॉट वॉर के लिए जाते तो क्या होता? वर्ल्ड वॉर थर्ड होता और इनको तो नुकसान होता ही होता, यूएसएसआर और यूएसए को तो नुकसान होता ही। इसको छोड़कर जो बाकी वर्ल्ड था, सेकंड थर्ड जो दुनिया थी, जैसे कि इंडिया या जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ठीक है, इनको भी बहुत लॉस होने वाला था इनकी वजह से। तो अच्छा था कि इन सब चीज़ों को रोक दिया गया। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।